को अकेले नहीं छोड़ना। अब मैं तो अपनी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ने वाली, आपको मेरे साथ स्टेज पे चलना होगा, तो चले। रिसेप्शन से क्यों भाग गया? मैंने जो बोला था ना करके दिखाया, अब बोल। वैसे तुझे क्या लगा था मैं लड़की तो कुछ कर नहीं सकती? अरे चुप क्यों है, बोल। तेरी वेली गल्लों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा वैसे तो ना मुझे बिना जवाब दिए जाता नहीं है, आज बड़ी दुड़की मार रहे। अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? अरे बोल, जो कि बोलेगा कुछ। चुप कर। अपने अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी सकती है तू? तू जानना चाहती है ना मैं क्यों चलाया? चल मेरे नाल। देख देख इस वजह से आ गया मैं, दुर्गा तकलीफ में है इसलिए मैं आ गया। भाई अपने दुख तकलीफ के अलावा कभी तुझे किसी और का भी दुख नजर आता हो तो देख, देख दुर्गा की तकलीफ। ओए उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया और उसकी जान निकल रही है दर्द से। योगी डॉक्टर कहाँ है? हाँ जोगी तू तो डॉक्टर लेने गया था ना? जोगी जोगी डॉक्टर कहाँ है पुत्र? सरकारी अस्पताल वाला 3 दिन की छुट्टी पे है और प्राइवेट वाला कोई मिल नहीं रहा है। मतलब मेनू नहीं पता है बेबे, सारे बंद है। मैं तरले पा लिए, मैंने मिन्नतें कर ली, मैंने कह दिया कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, कोई आ जाओ बस, पर कोई आने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पे ना वैसे भी इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं और जानवर को इंसान की तरह ट्रीट करने को कह दो ना तो मौत पैदाती है सबको। ये भगवान भाई बहुत बहुत दर्द हो रहा है उसके। दुर्गा को कुछ होगा तो नहीं? प्लीज मामू दुर्गा को बचा लो, मैं आपको जोगी नहीं मामू बनाऊंगी। कुछ नहीं हुआ लट्टू, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसकी डिलीवरी करेगा कौन। मैं किसी को जानती हूं जो दुर्गा की डिलीवरी करा सकता है। कौन है? हैं? मैं खुद जाके लेके आऊंगा, पैसे जितने देने पड़ेंगे मैं दूंगा, बंदा है कहां पे तू बता। नहीं मैं तरले पाऊंगा, मिन्नतें पाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तू जल्दी बता बंदा है कहां पे। क्योंकि उसके हाथ जोड़ने की या पैसे देने की या उसे यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है। देख तू पहेलियां मत पूछा, बंदा है कहां पे बता तो सही। वो यही है तू। तू करेगा दुर्गा की डिलीवरी? तेरा दिमाग खराब हो गया, डिलीवरी करनी है, मजाक नहीं चल रहा है यार। देख जोगी तू ही बता, जंगलों में कौन सा डॉक्टर होता है बच्चे पैदा करने के लिए? ये सड़कों पे जो ये जानवर होते हैं इनकी कौन मदद करता है?
फिर भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना जोगी, जोगी जानवर ना प्यार के भूखे होते हैं, और दुर्गा को तुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है जोगी। तूने दुर्गा की हालत देखी है? जोगी उसको हिम्मत की जरूरत है, डॉक्टर की नहीं, और उसे वो हिम्मत उसका परिवार दे सकता है, आप लोग। वैसे तो ना तुझे मेरी हर गलती याद रहती, लेकिन अपने बारे में तू इतनी बड़ी बात भूल गया। किस चीज की पढ़ाई की है तूने? एनिमल हस्बेंड्री की ना, जानवरों की देखभाल की ना, तुझा की करना। रूपांटी और बेची ने सारी जिंदगी मेहनत करी ताकि तू पढ़ लिख ले, उसका क्या फायदा? जोगी जा जा के बचा ले दुर्गा को, जा। बीजी, बेबे, गरम पानी निकालो, चादर निकालो, जल्दी लाओ। चल पुत, आजा। दुर्गा, दुर्गा मेरी डार्लिंग, मेरी गर्ल सुन, हिम्मत कर, आजा आजा आजा। चल दुर्गा, दुर्गा दुर्गा मेरी डार्लिंग, तुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जोर लगा दुर्गा, चल 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 दुर्गा, कुछ नहीं होगा तुझे, है घबराना, हम है ना इधर, कोशिश कर दुर्गा, शाबाश दुर्गा, जान लगा, शाबाश दुर्गा, चल 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 दुर्गा, कुछ नहीं होगा तुझे, है घबराना, हम है ना इधर, चल 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 पहुंच दुर्गा। हिम्मत मत हार दुर्गा, हाँ दुर्गा कुछ कर, हाँ दुर्गा जोर लगा दुर्गा, हाँ दुर्गा तुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जोर लगा दुर्गा कुछ कर, हाँ दुर्गा कुछ होगा तुझे, है घबराना, हम है ना इधर, अभी हुआ है, फिर भी साइज में मेरे से बड़ा है।
माही। जोगी कदी इशारा भी समझ लिया कर। थल्ले दा थल्ले हो गया मेरा, दम ही कटता है। और ये क्या कीचड़ में गोते कहां से खा के आई है? मम्मी मुझ पे ना लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करती हूँ। माही मेरी बात तो सुन, वो दीपक और रेनू जो आजकल वो पूतों वाली फिल्में देखते रहते हैं ना, तो उससे ना मेरे दिमाग में भी भूत का डर बैठ गया। पता है जब मैं शीशे में देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है भूत है, तेरे को देखा तब भी लगा भूत है। मम्मी हम दोनों की शक्लों में सिर्फ आपको ही नहीं और भी लोगों को भूत नजर आते। ये हुई ना बात। तुझे पता है जब भी तू मेरे को ऐसे पुट्ठे जवाब देती है ना तो मुझे लगता है कि मेरी माही की तबीयत बिल्कुल ठीक है, है? और ना तू मेरे पास आके ना ऐसे फटाफट जाने की मत किया कर। चल कोई नहीं, थक गई होगी, जाके सो जा, मैं भी सोती हूँ। है शायद किसी और जगह से भी ना मुझे फटाफट भाग ही जाना चाहिए था और कोई पुट्ठा जवाब नहीं देना चाहिए था, वो इतना ना फ्री ना होता। इस पे तो मुझे फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। अब लगे ना कपल नंबर वन। मेरे साथ स्टेज पे चलना होगा तो चले। माई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था वो आप ही हो? कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मरे हुए कॉकरोच के निकले हुए पेस्ट, तुम साले सूखे निकल जाते हो और हम जैसे लोगों को भिगो भिगो कर पड़ जाती है। रुक, अभी तेरी सच्चाई तेरी मॉडल बीवी और तेरी साली दोनों को बता दूं। ओ साड़िया तेरा जी भर गया क्या इस दुनिया से? मुझसे ऐसे बात करेगा तू? तू मिल मुझे अभी और रख। माही की टोली से पहले गुलशन की अर्थी उठवानी पड़ेगी। हे माही, जब भी तेरे हाथ के गरम गरम पराठे खाती हूँ ना, सच में मेरे मुंह से ना तेरी एक भी बुराई नहीं निकलती, और वैसे मेरे दिमाग में उगता रहता है माही ये माही वो। अच्छा तो फिर लो एक और पराठा खाओ। क्या बात क्या है, वैसे तो तू घी से चुपड़ी हुई एक रोटी भी खाने नहीं देती, मम्मी आपका वजन बढ़ जाएगा और आज पराठों पे पराठे खिलाए जा रही है, चल क्या रहा है? मम्मी आपका भी ना कुछ पता नहीं लगता है, जब रोको तो प्रॉब्लम, ना रोको तो प्रॉब्लम। आपको मेरे वैसे चैन नहीं है। मेरे चैन की छोड़, लेकिन तेरा चैन आजकल सज्जे खब्बे कहीं गया हुआ है। तबीयत तेरी ठीक है कि नहीं? वैसे गलती ना मेरी है जो जोगी को इतनी ढील दे दी कि मुझे हकशक करने लग गया। ये भी कोई बात है क्या? मुझे ना उसकी शक्ल तक नहीं देखनी अब। छोड़ दे यार। साड़िया,
अगर लोगों को अपनी ताकत ना दिखाओ ना तो उन्हें लगने लगता है कि तुम कमजोर हो, जैसे इसे लगने लगा था। बोल, देगा अपने बाप को धमकी? माफी मांग रहा है यार, माफ कर दे यार। माफी मांग रहा है? मैं सुनिया नहीं, जोर से बोल। तू बाप नहीं, फूफी है। हाथ बांध कर तो हर कोई शेर बन सकता है। हिम्मत है तो हाथ खोल के दिखाना, फिर देखते कौन किसको देख कर डरता है। सारिया, अगर ऐसी हल्की बातों में आता ना तो आज पप्पू पप्पू नहीं होता। तेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जिंदगी भर के लिए तेरी जुबान बन जाए। लेकिन उससे पहले तेरी मॉडल बेबी को तो सब बता दूंगा ना, जो इतने सालों से तूने अपनी मेज बना रखी है ना समाज में, पप्पू महान भगवान समान, सब खत्म कर दूंगा। दुनिया को बाद में बताना, और उससे पहले तू खुद ही दे। किसी को यार, नहीं यार, छोड़ छोड़ दे यार, गन 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 पीछे रखना यार। नहीं 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 गुलशन की कहानी खत्म। अब माही के स्वयंवर की तैयारी कर रौन की। बेवकूफ सासू मां ने उसकी शादी की जिम्मेदारी मुझे जो दी है। एंड पीला मेरा पुत, पीला पीला, ओ पीला यार नाराज ना हो, वैसे ना सारा तेरा कसूर है। पैदा होने की एक्साइटमेंट में मैं कंट्रोल ही खो बैठा यार। ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया मैंने वैसे। और जोगी है यार, तेरा ना पकड़ने का प्रेशर गलत था। कमाल है यार, और ड्राइवर नहीं है कि कांच का ग्लास है कि मैंने पकड़ा और जोर से टूट गया। पर शायद कुड़ी है, नहीं थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। पर कोई दस्से मैनू और कुड़ी की तरह वो पेश का भाई है मेरे साथ। जोगी अरोड़ा अभी के अभी अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। पर मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? सर मुझे मियां ही कहता है चुपचाप खड़े रहो। तबेले की मेरा मतलब है अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुजरिम पर पहला इल्जाम है कि इसने माही के साथ ऐसा बर्ताव किया कि वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। मेरे पास इस गुनाह के चश्मदीद गवाह भी है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती। ओ नाजी ना, मैं तो बस नंदू के बर्थ होने पे बड़ा खुश था, तो एक्साइटमेंट में थोड़ा बहुत जप्पी जुप्पी डाल लीजिए। पर बंदे की नियत खराब नहीं थी, मैं तो अपना अपना ही पोता हूं ना। तो ऑर्डर ऑर्डर। अदालत किसी रिश्ते नाते अपने पराए किसी को नहीं मानती। अदालत मानती है तो सिर्फ सबूत और गवाह। है तुम्हारे पास कोई गवाह? है कोई सबूत? मुजरिम की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो मुजरिम है। मुजरिम ने माही को नाराज कर
करने का जुर्म किया था, इसलिए दफा 000 के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि जोगी गुनहगार है और जोगी की यह सजा है कि वो अपना घमंड, अपनी अकड़ और अपना ये तसियाना स्टाइल छोड़ के माई तजा की माफी मांगे। लड़ना झगड़ना तो तुझसे सीख लिया था, अब मनाऊं कैसे? गल मिसमैच करना सीख लिया था, अब गल मैच करूं कैसे? हाँ, माही जोगी की नोक झोंक तो देख ली, अब देखते हैं सीजन 2 में माही जोगी की दोस्ती कैसी जाती है।